अब हम लोग आते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के क्वेश्चन पर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो रिएक्शन हो रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है क्वेश्चन में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कॉन्सनट्रेशन का डाटा ना देकर उसके एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा दे दिया है तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे तो बच्चों वैसे क्वेश्चन पर चलने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर बिल्डअप कर लें पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट को समझ लें उसके बाद फिर हम लोग पर आएंगे तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि पोलराइज और अनपोलराइज लाइट किसे कहा जाता है नो तो हम लोग का पहला पॉइंट है पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट किसे कहते हैं तो एक लाइट वेव वैसे दिखा दिया गया है हम लोग लाइट में जानते हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो अनपोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में होते हैं ये सारे डायरेक्शन में तो ये ऑसिलेशन दिखाया गया है इस तरीके से ये ऑसिलेशन दिखाया गया है ये ऑसिलेशन प्रत्येक डायरेक्शन में है तो ऐसे ही लाइट को अनपोलराइज लाइट बोला जाता है अनपोलराइज लाइट तो अनपोलराइज लाइट उसे कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऑल डायरेक्शन में हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट उसे कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो जैसे इसमें यहाँ पर ये जो सेकंड फिगर बनाया गया है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाया गया है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोलराइज लाइट पोलराइज लाइट तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है कि पोलराइज लाइट का जो प्लेन है ये ऑसिलेशन जिस प्लेन में हो रहा है उसको क्या कर देता है रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो उसको हम लोग डेस्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो उसको हम लोग लीवर रोटेटरी कहते हैं तो कोलराइज एंड Unpolarized light, polarized and unpolarized light, polarized light, polarized light has an electric field, has an electric field. ऑसिलेटिंग इन वन डायरेक्शन पोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक डायरेक्शन में क्या करता है ऑसिलेट करता है उसके एग्जांपल पर हम लोग आ जाए तो ये जो फिगर दिखाया जा रहा है ये ऑसिलेशन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है तो ये हम लोग का पोलराइज लाइट का एग्जाम्पल हो गया पोलराइज लाइट का एग्जाम्पल है पोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है वो हर डायरेक्शन में होता है तो अनपोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन ऑसिलेटिंग इन ऑल डायरेक्शन हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन ऑल डायरेक्शन और उसका फिगर हम लोग दिखा दें तो ये अनपोलराइज लाइट का ऑसिलेशन दिखा दिया जा रहा है ये हर डायरेक्शन में प्रत्येक डायरेक्शन में इसका क्या है ऑसिलेशन है तो ये हम लोग का कौन सा लाइट है अनपोलराइज लाइट का ये एग्जाम्पल है अनपोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट एग्जाम्पल में बोला जाए सर अनपोलराइज लाइट का एग्जाम्पल तो ये सन लाइट सन लाइट या जो हम लोग का टॉर्च का जो लाइट हो गया है या मोबाइल से जो लाइट निकल रहा है या किसी रॉड को हीट किए और हीट करने पर वहाँ से रेड हॉट ट्यूब को लिए वहाँ से जो लाइट जो रेडिएशन निकल रहा है वो सब अनपोलराइज लाइट के एग्जाम्पल हैं तो पोलराइज लाइट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है अनपोलराइज लाइट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में होता है अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसको कहते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देता है अगर किसी पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करें तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो उसको डेक्सट्रो रोटेट्री कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो उसे लीबो रोटेट्री कहते हैं तो पहले यहां तक आप लोग उतारिए फिर मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन ऑफ इज लाइट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइटराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देता है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं डेक्स्ट्रो कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेट्री और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं लीवो रोटेट्री और कभी भी क्वेश्चन में डाटा दे दे प्लस थर्टी डिग्री से रोटेट किया है या माइनस थर्टी डिग्री से रोटेट किया है तो हमेशा ध्यान में रखिए प्लस साइन जो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए और माइनस साइन किस के लिए होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए तो अगर माइनस थर्टी डिग्री से रोटेट किया इसका मतलब थर्टी डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और अगर प्लस थर्टी डिग्री से रोटेट कराए तो इसका मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में प्लस थर्टी से रोटेट कराए तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं डैक्स्ट्रो इसके लिए हम लोग पॉजिटिव सिंबल पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं और लीवो के लिए कौन सा लेकर चलते हैं निगेटिव साइन लेकर चलते हैं चलिए इसको भी उतार लीजिए उतारिए मैं इसे फिर मिटाता हूं तो अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन वाले पार्ट पर कि यहां पर क्वेश्चन सर हम लोग कैसे करेंगे ये तो बेसिक हम लोगों ने याद दिलवा दिया हालांकि ये क्लॉक बाइज एंटी क्लॉक बाइज डेक्स्ट्रो लिवो सब ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत ही ज्यादा डेफ्थ में पढ़ते हैं लेकिन हम लोग को यहाँ पर कायरल कार्बन सेंटर ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग डाटा का यूज़ करेंगे क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ रहेगा और उसी डाटा के बेसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो उसी क्वेश्चन पर जाने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम लोग का पोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ चीज़ थोड़ा हम लोग का क्या हो जाए रिवाइज हो जाए तो एक ट्यूब लिया गया इस ट्यूब में कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन है तो इस ट्यूब में किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ओ ए ये शॉर्ट में ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड के लिए लिखा गया है और यहाँ से हम लोग पोलराइज लाइट को क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं और पोलराइज लाइट को जो पास कर रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है इस प्लेन में वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है अब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करेगा कि इस ये पोलराइज लाइट ये पोलराइज लाइट जिस प्लेन में वाइब्रेट करता है उसको क्या करता है रोटेट करता है उसको रोटेट करता है तो इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास होने के बाद वाइब्रेशन ऐसे दिखा दिया जाए वाइब्रेशन ऐसे दिखा दिया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये ऑसिलेशन इस तरीके से दिखा दिया गया ठीक है ना तो इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने इस पोलराइज लाइट का जो प्लेन जिस प्लेन में वाइब्रेट हुआ था उसको रोटेट कर दे रहा है ठीक है ना और अगर हम लोग देखें तो ये रोटेशन कौन से डायरेक्शन में है तो ये क्लॉग डायरेक्शन में है तो क्लॉग डायरेक्शन में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डेक्सट्रो रोटेट्री तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल कैसे करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना है ये जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है ये जो जितने एंगल से ये रोटेट किया ये एंगल ऑफ रोटेशन उसका सिंबल हम लोग आर से लेकर कर चल रहे हैं तो यहाँ पर आर सिंबल का मतलब रेट नहीं है यहाँ पर आर फॉर रोटेशन आर का मतलब यहाँ पर रोटेशन है तो ये एंगल ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन तो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो वो पोलराइज लाइट के प्लेन को जितने एंगल से रोटेट करता है वो एंगल ऑफ रोटेशन कॉन्सेंट्रेशन के एंड एंगल ऑफ रोटेशन ट्यूब के लेंथ के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ये ट्यूब का लेंथ दे दिया गया एल तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है आर एंगल ऑफ रोटेशन आर वो इस ट्यूब के लेंथ एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आर सी के डायरेक्टली आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों को कंबाइन कीजिए तो क्या आ जाएगा हम लोग का आर इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी अब इक्वल टू का साइन दे हम लोग तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा के इन टू एल इंटू सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में ट्यूब का लेंथ को हम लोग चेंज भी करते हैं लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो ट्यूब का लेंथ वो हमें क्या मिलेगा फिक्स मिलेगा तो के इज ए कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट तो के और एल मिलकर क्या हो जाएंगे एक अनदर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो के और एल मिलकर एक अनदर कॉन्स्टेंट जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं के डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में जब ऑप्टिकल रोटेशन का क्वेश्चन करने लगेंगे सारा क्वेश्चन इसी एक फॉर्मूला से बनेगा बस ये ध्यान रखना है दैट इज अगर हम शॉर्ट में बोले तो हम लोग का सारा फॉर्मूला बनेगा एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब थोड़ा ध्यान दें अगर ये डेक्स हुआ तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा और अगर ये लीवो हुआ तो एंटी क्लॉक वाइज में रोटेट करेगा तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या मिलेगा हम लोग का निगेटिव मिलेगा मतलब ये एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है अब ध्यान दीजिए सी इज ए कॉन्सेंट्रेशन सी तो कॉन्सेंट्रेशन है ये निगेटिव तो हो नहीं सकता है जबकि आर एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है तो इसका मतलब ये जो कॉन्सटेंट के है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहेगा तो ये बताइए कॉन्स्टेंट के ये पॉजिटिव कब तो डेक्स्ट्रो के लिए और कॉन्स्टेंट के ये नेगेटिव कब तो लीवो के लिए तो केडस इज ए कॉन्स्टेंट विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो के ये कॉन्स्टेंट ये हम लोग का क्या हो सकता है कॉन्स्टेंट मे बी पॉजिटिव के डैश इज ए कॉन्स्टेंट विच मे बी पॉजिटिव और निगेटिव तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ रोटेशन कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू का साइन कर देंगे तो एक प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट आएगा डैश जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है और डिपेंड करेगा कि हम लोग का कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लिबो है डेक्स्ट्रो रहेगा क्लॉकवाइज में रोटेट किया क्लॉकवाइज में रोटेट किया साइन प्लस आएगा तो साइन प्लस आने का मतलब के डैश भी क्या होगा प्लस होगा तो हमें इतना नहीं याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रो है कौन सा लिबो है वो सब बिल्कुल याद नहीं रखना है फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन में सारा डाटा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग आते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर आते हैं पहला क्वेश्चन क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझें एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ है सुक्रोज और वाटर इनके बीच में रिएक्शन होकर ये ग्लूकोज और ये क्या बन रहा है फ्रक्टोज बन रहा है तो ये दोनों फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है तो ध्यान में रखिएगा एक ग्लूकोज है दूसरा फ्रक्टोज है सुक्रोज वाटर के साथ रिएक्ट कर कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है वाटर एक्सेस में लिया गया है तो ये रिएक्शन सुक्रोज के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसी को शॉर्ट में लिख दिया गया है सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है सुक्रोज के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है अब यहाँ पर सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन का डाटा नहीं दिया बोला कि स्टार्टिंग में सुक्रोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन आर नोट का है और टी टाइम पर सुक्रोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितने का है तो आर टी का है तो हमें रेट कांस्टेंट के है आर नॉट और आर टी के टर्म्स में तो डाटा पर ध्यान दीजिए कॉन्सेंट्रेशन का कोई डाटा नहीं दिया है स्टार्टिंग uh, में सुक्रोज के कारण से रोटेशन आर नॉट टी टाइम पर सुक्रोज के रोटेशन सुक्रोज के रोटेशन के कारण से एंगल कितना है हम लोग का आर टी है तो आर नॉट और आर टी के टर्म्स में हम लोग को के का वैल्यू निकालना है तो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज टी इक्वल टू जीरो पर सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन ए मान लेते हैं एट एनी टाइम टी ए में से बोले एक्स रिएक्ट कर गया तो बचा ए माइनस एक्स और जब सुक्रोज का एक्स रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज का भी एक्स बनेगा फ्रक्टोज का भी एक्स बनेगा नेक्स्ट आते हैं भाई ये रिएक्शन सुक्रोज के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है तो के बराबर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स लेकिन ए और एक्स का डाटा थोड़ा ही दिया है एंगल का डाटा दिया है तो हमें करना क्या है इस रेशियो को पता करना है आर नॉट और आर टी के टर्म्स में तो कैसे पता करेंगे तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे एंगल ऑफ रोटेशन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये आर नॉट एंगल ऑफ रोटेशन है सुक्रोज का तो एंगल ऑफ रोटेशन सुक्रोज का तो ये आर नॉट भी सुक्रोज के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रोटेशन स्टार्टिंग का तो कॉन्सेंट्रेशन भी किस समय का लेंगे स्टार्टिंग का लेंगे ए और आर टी एंगल ऑफ रोटेशन सुक्रोज के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन टी टाइम का रोटेशन है तो कंसंट्रेशन भी किस टाइम का होगा टी टाइम का होगा ए माइनस एक्स अब ये भी सुक्रोज के लिए ये भी सुक्रोज के लिए तो दोनों के लिए प्रोपोर्शी कॉन्स्टेंट सेम आ जाएगा तो आर नॉट इक्वल टू के और ये एस कर देते हैं एस फॉर सुक्रोज ऐसे सिंबल सुक्रोज के लिए तो सुक्रोज का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये ए और ये आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का के एस इनटू ए माइनस एक्स भाई ये दोनों एंगल ऑफ रोटेशन सुक्रोज के थे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी सुक्रोज का ही होगा अब यहाँ रेशियो ले लें तो रेशियो ले लेंगे के एस के एस क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल ऑफ उतारिए पूरा उतना बोर्ड पर तो हम लोग का रेशियो कितना आ जाएगा तो ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू रेशियो ले तो आर नॉट डिड बाई आर टी यहां रेशियो ले लिया जाए केस कैंसल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा आर नॉट बाई आर टी आ जाएगा तो देअर फोर हम लोग का रेट कॉन्स्टेंट निकल गया के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर टी यही हम लोग का क्या है फाइनल आंसर यही हम लोग का फाइनल आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा और इसमें डेफ्थ में हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन के डेफ्थ में फिर से वही रिएक्शन है लेकिन डाटा में थोड़ा चेंजेस है डाटा में क्या बोला जा रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन हो रहा है ये रिएक्शन सुक्रोज के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है टी टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन दिया है आर टी और इनफेनाइट पर एंगल ऑफ रोटेशन कितना दिया है आर इन्फिनटी लेकिन गौर से देखिए इस बार जो एंगल ऑफ रोटेशन है इस क्वेश्चन में वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के कारण से मिलाकर है और इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो किए थे उसमें एंगल ऑफ रोटेशन सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज के कारण से दिया था और जबकि इस क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ रोटेशन दिया वो सुक्रोज के कारण से नहीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को मिलाकर तो हमें के निकालना है और यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है एक सेंटेंस सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये तीनों ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि डेक्स्ट्रो है या लीबो है ये सब नहीं बताएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो सब्सटेंस डेक्स्ट्रो है या लीबो है भाई अगर डेक्स्ट्रो होगा तो कांस्टेंट पॉजिटिव आएगा याद कीजिए आर इक्वल टू के इन टू सी आर पॉजिटिव तो ये कांस्टेंट भी पॉजिटिव आर निगेटिव तो कॉन्स्टेंट भी क्या रहेगा निगेटिव रहेगा हम लोग का तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि वो डेक्सटो है रिबो है लिवो है डेक्स्टो होगा कॉन्स्टेंट पॉजिटिव लिवो होगा कॉन्स्टेंट क्या आएगा निगेटिव आएगा तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम लोग और कुछ अलग से हट कर करें अभी इस क्वेश्चन को भूल जाइए अभी जो भी बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है कुछ समय के लिए इसको भूला जाए और जो मैं पूछने जा रहा हूँ उस पर फोकस किया जाए ये एक ट्यूब ले लिया गया यहां से हम लोग पोलराइज लाइट को क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं पोलराइज लाइट को यहां से पास किया जा रहा है और बोला क्या गया कि इस ट्यूब में तीन सब्सटेंस है ए बी और सी तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो ये तीनों पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करेंगे कोई क्लॉकवाइज से कर देगा कोई एंटी क्लॉकवाइज से कर देगा क्वेश्चन में डाटा दे दे कि ए ने प्लस ट्वेंटी डिग्री से रोटेट किया ए ने क्लॉगवाइज में रोटेट किया बी ने प्लस टेन डिग्री से रोटेट किया तो ए ने प्लस ट्वेंटी से रोटेट किया बी ने प्लस टेन से रोटेट किया और सी बोले कि माइनस फोर्टी डिग्री से रोटेट करा अब जरा ध्यान से हम जो पूछने जा रहे हैं उसका आंसर दीजिएगा अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाए ए के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितना तो प्लस 20 का होगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए A और बी इन दोनों के कारण से मिलाकर एंगल ऑफ रोटेशन कितना तो प्लस थर्टी का मतलब क्लॉकवाइज में नेट रोटेशन A और B के कारण से तीस डिग्री का हुआ और थोड़ा सा चेंज करें डाटा बोले कि बी और सी के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ तो ध्यान दीजिए ए का पूछा ही नहीं जा रहा है सिर्फ बी और सी का पूछ रहा है तो बी और सी को मिलाकर एंगल ऑफ रोटेशन बोलेंगे तो कितने का माइनस तीस डिग्री का बी ने क्लॉकवाइज में बी ने क्लॉकवाइज में दस से रोटेट किया लेकिन सी ने एंटी क्लॉक में माइनस चालीस से रोटेट कर दिया तो नेट या रिजल्टेंट रोटेशन माइनस थर्टी का हो जाएगा और अब ऐसे पूछ दिया जाए ए बी और सी के कारण से इन तीनों के कारण से नेट एंगल ऑफ रोटेशन कितने का तो इन तीनों के कारण से नेट एंगल ऑफ रोटेशन माइनस दस डिग्री का यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ भी लगाना है ये आर टी जो हुआ वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एंगल ऑफ रोटेशन का सम होगा आर इनफिनिटी ये भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एंगल ऑफ रोटेशन का सम होगा और हमें सम कर देना है अपने आप रिजल्टेंट आ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस साइन तो कांस्टेंट में ही है के डैश पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं एक ट्यूब दिखा दिया जाए इसी ट्यूब में हम लोग का रिएक्शन हो रहा है यहां से पोलराइज लाइट को पास किया गया और ये पोलराइज लाइट का एंगल ऑफ रोटेशन हो गया इस ट्यूब में स्टार्टिंग में सुक्रोज था सुक्रोज से क्या बन रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है t इक्वल टू जीरो पर इनिशियली सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन ए के बराबर एट एनी टाइम t a में से x रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना हम लोग का a माइनस एक्स बचेगा और x रिएक्ट कर कर ग्लूकोज का भी x बनेगा फ्रक्टोज का भी x बनेगा एंड की बात करें तो a पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया ग्लूकोज का a और फ्रक्टोज का भी कितना बनेगा a बनेगा तो यहां पर दो टाइम का एंगल ऑफ़ रोटेशन दिया हुआ है टी टाइम और इनफाइनाइट टाइम तो ध्यान में रखें टी टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण से दिया है तो हम लोग सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉन्सेंट्रेशन पर फोकस करेंगे और एंड पर एंगल ऑफ रोटेशन वो भी ग्लूकोज तो और फ्रक्टोज के कारण से दिया है तो यहाँ भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन पर फोकस करेंगे और टी टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन इन दोनों के कारण से मिलाकर कितना तो आर टी और एंड पर इन दोनों के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितना है आर इन्फिनिटी अब आते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग तो आप लोग यहां तक का उतार लीजिए मैं इधर मिटाता हूं नोट्स में उतारिए नोट्स में तो ये रिएक्शन सुक्रोज के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद कीजिए सुक्रोज के कारण से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में है सुक्रोज के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर में तो के बराबर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स तो हमें ये रेशियो चाहिए ये रेशियो आर टी और आर इन्फिनिटी के टर्म्स में चाहिए कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ़ रोटेशन याद कीजिए किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का एंगल ऑफ रोटेशन उसके कॉन्सनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्लूकोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितने के तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फ्रक्टोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्लूकोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन के जी इन एक्स कर दिए ये बोलिए एंगल ऑफ रोटेशन ग्लूकोज के कारण से फिर बोला जाए फ्रक्टोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन तो के एफ एक्स कर दे रहे हैं तो रिपीट कर रहे जी कर दिए ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ग्लूकोज के कारण से ये एफ किया गया है ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट फ्रक्टोज के कारण से भाई दो अलग अलग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है हो सकता है एक क्लॉकवाइज में रोटेट कर दे तो उसके लिए कॉन्स्टेंट पॉजिटिव हो जाएगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दे तो उसके लिए कॉन्स्टेंट निगेटिव हो जाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जैसे जैसे चेंज करेंगे उसका प्रोपोशली कांस्टेंट भी क्या होता जाएगा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर ग्लूकोज के कारण से कांस्टेंट केजी और फ्रक्टोज के कारण से कांस्टेंट कितना है केफ है तो ये एंगल ऑफ रोटेशन हुआ ये एंगल ऑफ रोटेशन टी टाइम का ग्लूकोज के कारण से ये एंगल ऑफ रोटेशन टी टाइम पर फ्रक्टोज के कारण से तो इन दोनों का सम कर दे तो क्या निकलेगा हम लोगों का आर टी निकलेगा तो आर टी को डायरेक्ट लिखिए तो टी टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन नेट जो मिलेगा ग्लूकोज के कारण से के जी एफ और सॉरी टी टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन ग्लूकोज के कारण से के जी इंटू एक्स और फ्रक्टोज के कारण से कितना के एफ इंटू एक्स और इनफाइनाइट पर आ जाए एंगल ऑफ रोटेशन तो इन फाइनाइट पर एंगल ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ए है तो ग्लूकोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन के जी इन टू ए और फ्रक्टोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन के एफ इंटू ए सोल्व करें इन दोनों इक्वेशन को तो हम लोग आर टी इक्वल टू सॉरी आर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो के जी प्लस के एफ इन टू एक्स और आर इन्फिनिटी बराबर क्या लिख सकते हैं तो के जी प्लस के एफ इन टू ए ये लिख सकते हैं उधर आप लोग उतार चुके होंगे मैं उधर का मिटा देता हूँ इसको सबस्ट्रैक करें आर टी माइनस सॉरी आर इनफिनिटी माइनस आर टी आर इन्फिनिटी माइनस आर टी अगर इसको हम लोग सब्स करेंगे के जी प्लस के एफ कॉमन हो जाएगा के जी प्लस के एफ कॉमन हो जाएगा इंटू क्या जाएगा? आ जाएगा ए माइनस एक्स आ जाएगा ए माइनस एक्स ये हम लोग का पहला इक्वेशन नंबरिंग कर रहे हैं और ये हम लोग सेकंड इक्वेशन इसे से नंबरिंग कर दे रहे हैं सेकंड इक्वेशन अब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कीजिए आर टी माइन डिवाइडेड बाई आर सॉरी आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी माइनस आर टी तो ये है आर इन्फिनिटी ये है आर इन्फिनिटी माइनस आर टी रेशियो ले लें तो क्या हो जाएगा के जी प्लस के एफ कैंसल आउट ये रेशियो कितना आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स और यही तो निकालना था हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ये रेशियो निकल गया तो हम लोग का के बराबर कितना आ गया के बराबर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाई हम लोग का टी लॉग आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी माइनस आर टी यही हम लोग का आंसर आ गया है तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही ऑप्टिकल रोटेशन पर और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो अगले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं ब्रीफ में मैं बताता हूं अगला क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर एक और क्वेश्चन किया जाएगा और क्वेश्चन का डेप्थ धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो को सुनने से पहले ये जो ऑप्टिकल रोटेशन पर जो दो क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसको बड़ा अच्छे से समझिए अच्छे से कीजिए इसको वीडियो को एक बार दो बार तीन बार बड़ा अच्छे से देखिए देख समझ जाइए अपने से कॉपी में इसको बनाइए तब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बढ़िया से हम लोगों को क्या होगा समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में जो आएगा वो ऑप्टिकल रोटेशन का ही होगा और उसके बाद फिर हम लोग एंथ ऑर्डर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे तो आज के क्लास में इतना ही